हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूअर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। जेई एडवांस के वाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर इसी के ऊपर बेस्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम वो पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रेयर मीडियम वो पढ़ेंगे, और फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स वॉल वो पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फ्री एंड वो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स के ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये जेई एडवांस के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, ये नाम है इस टॉपिक का, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट चीज का यूज होगा, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव की थी, एवरेज पावर 2π² a² f² μv। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में निकाली थी ना, आज के इस लेक्चर में यूज होगा, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किया था, आज के लेक्चर में इसका यूज होने वाला। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास एक रस्सी ये है, इस रस्सी की मास पर यूनिट लेंथ मान लो म्यू वन है। ठीक है, इस रस्सी को बोलूंगा मैं मीडियम नंबर वन। ठीक है, और यहां पे एक दूसरी रस्सी कनेक्टेड है जिसकी मास पर यूनिट लेंथ कुछ अलग है म्यू टू, इस रस्सी को बोलूंगा मैं मीडियम नंबर दो। ठीक है, और देखो मैंने क्या किया, यहां पे इस रस्सी में मतलब मीडियम नंबर वन में यहां पे एक वेव पल्स जनरेट करके छोड़ दी, इसका एम्पलीट्यूड मान लो ए आई। ठीक है, और मान लो मीडियम नंबर वन में इस वेव पल्स की जो स्पीड आएगी वो मान लो वी वन होगी। ठीक है, तो ये वेव पल्स इस डायरेक्शन में वी वन स्पीड से चलेगी। ठीक है, और दोनों मीडियम का इंटरफेस ये है, तो ये वेव पल्स वी वन स्पीड से चलेगी चलेगी। ठीक है, तो जब ये वेव पल्स इस इंटरफेस पे, दोनों मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट होगी, तो मान लो सूरत हालात कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, ये वेव पल्स यहां पे इस इंटरफेस पे जस्ट इंसिडेंट हुई है, जस्ट इंसिडेंट ऑन इंटरफेस, तो यहां पे रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा। ठीक है, तो मान लो अब रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्वियसली इस इंटरफेस से रिफ्लेक्शन होगा ना, तो ये क्या मेरा इंटरफेस रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये तो क्या होगी रिफ्लेक्टेड पल्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्टेड पल्स इस डायरेक्शन में चलेगी ना, मीडियम तो वही है विद वी वन स्पीड, और ट्रांसमिशन भी होगा इसका। ठीक है, तो ये तो है रिफ्लेक्टेड वेव या रिफ्लेक्टेड वेव पल्स, और ये है ट्रांसमिटेड वेव पल्स। मान लो इस रिफ्लेक्टेड वेव पल्स का एम्पलीट्यूड होगा ए आर, और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा मान लो 80, और मान लो मीडियम नंबर दो में जो इस पल्स की स्पीड होगी वो मान लो वी टू होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हो गया और ट्रांसमिशन भी हो गया, सही है। तो देखो मान लो फ्रीक्वेंसी थी एफ, ठीक है ना, इस इंसिडेंट वेव पल्स की फ्रीक्वेंसी थी एफ, ये वेव पल्स इंसिडेंट हुई इस इंटरफेस पे, रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना चेंज होगी,
रिफ्लेक्टेड वेव पल्स की फ्रीक्वेंसी भी एफ रहेगी, ट्रांसमिटेड वेव पल्स की फ्रीक्वेंसी भी एफ रहेगी, ठीक है। और मान लो इस मीडियम नंबर वन में प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट मान लो के वन है, और इस मीडियम नंबर वन में वेव लेंथ है मान लो लैम्डा वन, मीडियम नंबर दो में वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट मान लो के टू, और वेव लेंथ मान लो लैम्डा टू, ठीक है। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, वेव वेलोसिटी बाय में लैम्डा। तो जो वेव वेलोसिटी आएगी ना वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा। तो अब देखो वेव वेलोसिटी ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑब्वियसली मीडियम पे, मतलब रस्सी पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम, क्योंकि वेव वेलोसिटी वो कितनी होती है, रूट टी बाय म्यू, सही है ना। अब देखो मीडियम नंबर वन की जो रस्सी है, मीडियम नंबर दो की जो रस्सी है, अलग अलग रस्सी है, इन दोनों रस्सियों में टेंशन तो सेम होगी, इस रस्सी में भी टेंशन टी, इस रस्सी में भी टेंशन टी आएगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो अब एक तरह से वेव वेलोसिटी म्यू के ऊपर डिपेंड करी ना, मास पर यूनिट लेंथ पे, तो मतलब एक तरह से रस्सी के ऊपर डिपेंड करी, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड करी, तो वेव वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। तो वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मीडियम एज वेल एज सोर्स, डिपेंड्स ऑन मीडियम एज वेल एज सोर्स, ठीक है। तो अब देखो वी वन किसके बराबर आएगा, रूट टी बाय म्यू वन, वी टू रूट टी बाय म्यू टू, सही बात है। और अब देखो इंसिडेंट पावर, पी इंसिडेंट वो क्या आएगी, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, टू पाई स्क्वेयर ए आई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर म्यू वन वी वन, रिफ्लेक्टेड पावर पी आर वो किसके बराबर आएगी, अगेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला, टू पाई स्क्वेयर ए आर स्क्वेयर, ठीक है, एफ स्क्वेयर म्यू वन वी वन, सही बात है। ट्रांसमिटेड पावर पी टी ये किसके बराबर आएगी, टू पाई स्क्वेयर ए टी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर म्यू टू वी टू। और ये मेरे को पता है इंसिडेंट पावर किसके बराबर होगी, रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड पावर, ऑब्वियसली पी इंसिडेंट इज इक्वल टू पी रिफ्लेक्टेड प्लस पी ट्रांसमिटेड, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो कैंसिल क्या हो जाएगा, टू पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक तरह से ए आई स्क्वेयर म्यू वन वी वन किसके बराबर आ जाएगा, ए आर स्क्वेयर म्यू वन वी वन प्लस ए टी स्क्वेयर म्यू टू वी टू, ठीक है। तो म्यू वन वी वन को यहां पे कॉमन ले लो, तो ए आई स्क्वेयर माइनस ए आर स्क्वेयर म्यू वन वी वन इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर म्यू टू वी टू। अब देखो यहां पे दोनों तरफ स्क्वेयर करना, तो वी वन स्क्वेयर कितना आ गया, टी बाय म्यू वन, वी टू स्क्वेयर टी बाय म्यू टू, तो म्यू वन की वैल्यू यहां से क्या आएगी, टी बाय वी वन स्क्वेयर, और म्यू टू की टी बाय वी टू स्क्वेयर,
टी से टी खत्म हो गया, ठीक है। और क्या खत्म हो रहा है देखो, यहां पे एक वी वन से एक वी वन खत्म हो रहा है, एक वी टू से एक वी टू, तो ये आ जाएगा केवल बाय में वी वन आ जाएगा। तो बाय में वी वन इज इक्वल टू ये 80² / V2 आ जाएगा, 80² / V2, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई। और देखो यहां पे एक बाउंड्री कंडीशन का यूज होगा, वो बाउंड्री कंडीशन क्या है, ए आई प्लस ए आर इक्वल्स टी, ये होगा ठीक है, बाउंड्री कंडीशन है ये, ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो देखो यहां पे दो अननोन कौन से हैं, ए आर और 80, ए आर और 80, ठीक है। और ये दो ही इक्वेशन है, तो सॉल्विंग वन एंड टू, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे ना, तो ए आर और 80 की वैल्यू निकल आएंगी। ए आर की वैल्यू क्या आएगी, वी टू माइनस वी वन बाय में वी वन प्लस वी टू इंटू में ए आई, और 80 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2V2 बाय में V1 प्लस V2 इंटू में AI, ठीक है। मेरे को ये दोनों वैल्यू चाहिए थी, AR और 80 के वैल्यू, तो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो एक वेव पल्स इंसिडेंट हुई इंटरफेस पे, ये मीडियम नंबर वन है, ये मीडियम नंबर दो, मतलब एक रस्सी है ये, दूसरी रस्सी है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं इंटरफेस पे। वेव पल्स जस्ट इंसिडेंट हुई इंटरफेस पे, मान लो ये कुछ ऐसे सूरत हालात होंगे, फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा, रिफ्लेक्शन इंटू सेम मीडियम, ट्रांसमिशन इंटू मीडियम नंबर टू, ठीक है। तो मान लो इसका जो रिफ्लेक्टेड ये जो वेव पल्स है, इसका एम्पलीट्यूड आएगा ए आर, इतना आया। ट्रांसमिटेड वेव पल्स का एम्पलीट्यूड आएगा मान लो 80, ये इतना आया, ठीक है। ये दोनों निकालने बहुत जरूरी थे, ठीक है। तो अब देखो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम किसको बोलोगे, मोटी रस्सी को, और रेयर मीडियम पतली रस्सी को, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने किया उसका कंक्लूजन देखो, ये मीडियम नंबर वन था, ये मीडियम नंबर दो, मीडियम मतलब रस्सी थी, ठीक है, समझो इस बात को। ऑब्वियसली दोनों रस्सियों में टेंशन सेम आएगी, टी टी टेंशन, ठीक है। और ये इंटरफेस हो गया जहां पे दोनों रस्सी जुड़ी होंगी, अलग 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 रस्सी होंगी, ठीक है। मीडियम नंबर वन का जो मास पर यूनिट लेंथ होगा वो म्यू वन, मीडियम नंबर दो का म्यू टू, मतलब मीडियम नंबर वन की जो रस्सी है उसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू वन, मीडियम नंबर दो की रस्सी मास पर यूनिट लेंथ म्यू टू, ठीक है। और मीडियम नंबर वन में जो पल्स की स्पीड होगी, वेव पल्स की स्पीड, वो वी वन, मीडियम नंबर दो में वेव पल्स की स्पीड वी टू, ठीक है। ऑब्वियसली वी वन किसके बराबर होगा, रूट टी बाय म्यू वन, वी टू किसके बराबर होगा, रूट टी बाय म्यू टू,
सही बात है। और ऐसे वेव पल्स आई, इंसिडेंट वेव पल्स, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मान लो ए आई है, फिर इंटरफेस पे इंसिडेंट होगी, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे रिफ्लेक्टेड वेव पल्स आएगी और ऐसे ट्रांसमिटेड वेव पल्स आएगी, ठीक है। तो ए आर रिफ्लेक्टेड वेव पल्स का एम्पलीट्यूड, एटी ट्रांसमिटेड वेव पल्स का एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ए आर और एटी ये आए हैं, ए आर इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाय में वी वन प्लस वी टू इंटू में ए आई, ठीक है। और एटी क्या आया, टू वी टू बाय में वी वन प्लस वी टू इंटू में ए आई। तो क्या हुआ था, मीडियम नंबर वन में एक वेव पल्स ऐसे चली थी, उसका एम्पलीट्यूड ए आई, इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड वेव पल्स हो जाएगी, ये ट्रांसमिटेड वेव पल्स हो जाएगी, क्योंकि उस तरफ मीडियम नंबर दो भी तो है ना। तो अब देखो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम पता होना चाहिए, मोटी जो रस्सी होगी ना वो होगी डेंसर मीडियम, पतली रस्सी रेयर मीडियम, ठीक है। अब देखो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, इसको कैसे समझें, ये इंटरफेस हो गया, एक रस्सी दूसरी रस्सी, ठीक है, ये मोटी रस्सी बनाई है ना मैंने, दिखाई दे रहा है। मान लो इस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ म्यू वन, ठीक है, इस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ है म्यू टू। ऑब्वियसली दोनों रस्सियों में टेंशन सेम होगी, टी टी। यह वेव पल्स जनरेट की इस डायरेक्शन में चलेगी वी वन स्पीड से, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मान लो ए आई है, ठीक है। तो अब देखो, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, मतलब म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, मोटी रस्सी डेंसर मीडियम होगी और पतली रस्सी रेयरर मीडियम होगी, ठीक है, मीडियम नंबर वन मीडियम नंबर दो। तो यहां पे इसका रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम डेंसर मीडियम, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड वेव पल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा ए आर वो फाइंड आउट करो, आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रांसमिटेड वेव पल्स का एम्पलीट्यूड एटी वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब देखो, इस मीडियम में स्पीड वी वन, इस मीडियम में स्पीड होगी वी टू, तो वी वन किसके बराबर होगा, रूट टी बाय म्यू वन, वी टू रूट टी बाय म्यू टू। अब देखो, म्यू टू म्यू वन से ज्यादा है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम ये रेयर, तो म्यू टू म्यू वन से ज्यादा है, मतलब एक तरह से म्यू वन कम है और म्यू टू ज्यादा है, तो वी वन वी टू से ज्यादा आ जाएगा ना, वी वन विल बी ग्रेटर देन वी टू, ठीक है। दोनों रस्सियों में टेंशन तो सेम होगी टी टी। तो देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स का एम्पलीट्यूड आएगा ए आर वो क्या आएगा, और ट्रांसमिटेड वेव पल्स का एम्पलीट्यूड ए टी वो क्या आएगा, इन दोनों का यूज कर लो ना। तो देखो, ए आर ये क्या आएगा, क्या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, सबसे पहले तो ये बताओ। तो देखो, वी टू माइनस वी वन है और वी वन वी टू से ज्यादा है, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है।
और V1 V2 से ज्यादा है ना या V2 V1 से कम है तो ये पक्का है ना मैग्नीट्यूड में AI से कम आएगा, ठीक है आप करके देख लेना। तो AR नेगेटिव तो आएगा पक्का और मैग्नीट्यूड में ये AI से कम आएगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल AR कितना आ गया -AI/2 कुछ ऐसा, समझ रहे हो ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो, तो देखो AR नेगेटिव आया है तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगी ना वो ऐसे होगी, समझ रहे हो ना। और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो AI से कम भी होगा। नेगेटिव तो ये बता रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड वेव पल्स नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और जो ट्रांसमिटेड वेव पल्स होगी उसका एम्पलीट्यूड 80, वो क्या आएगा 2V2/V1+V2। ये तो पॉजिटिव ही आएगा ना ऑब्वियसली, V2 तो समथिंग पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। 80 पॉजिटिव जरूर आएगा, ठीक है, लेकिन ये AI से कम आएगा, ठीक है। तो जो ट्रांसमिटेड वेव पल्स होगी वो कुछ ऐसे होगी, ठीक है। तो देखो ये जो एम्पलीट्यूड है ये AI से कम मैग्नीट्यूड में अगर बात करूं, वैसे AR नेगेटिव आएगा और AI से कम मैग्नीट्यूड में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल -AI/2 हो गया, तभी तो इसको ज्यादा ऊंचा और इसको कम ऊंचा दिखा रखा मैंने। AR नेगेटिव आया ना तो इसका मतलब फेज चेंज हो गया बाय 180 डिग्री, फेज चेंजेज बाय 180 डिग्री, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में चलेगी रिफ्लेक्टेड वेव पल्स विद सेम स्पीड V1, क्योंकि इस तरफ का मीडियम जो वन है ना मीडियम नंबर वन उसमें वेव पल्स की रफ्तार V1 होगी ना, चाहे वो इंसिडेंट हो या रिफ्लेक्टेड हो। अब ये मीडियम नंबर टू है, ये वेव पल्स ऐसे चलेगी विद स्पीड V2 और ऑब्वियसली V1 विल बी ग्रेटर देन V2, ठीक है। तो ये तो था रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। अब आओ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम, ठीक है। तो मतलब इस तरफ डेंसर होगा इस तरफ रेयरर, फ्रॉम रेयरर मीडियम रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरफ की रस्सी को मोटा बनाना है, मतलब ये क्या है डेंसर मीडियम, ठीक है, और इस वाली रस्सी को पतला बनाना है। ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम, ये मैंने वेव पल्स जनरेट की ऐसे चलेगी विद स्पीड V1, मान लो इसका एम्पलीट्यूड है AI, दोनों रस्सियों में टेंशन सेम रहेगी ऑब्वियसली। तो यहां पे मास पर यूनिट लेंथ μ1, यहां पे मास पर यूनिट लेंथ μ2, ठीक है। तो ये रेयर मीडियम है ये डेंसर, तो इसका मतलब एक तरह से μ1 μ2 से ज्यादा होगा या μ2 μ1 से कम होगा, ठीक है। तो ये वेव पल्स इंसिडेंट वेव पल्स इस तरफ चलेगी, बिल्कुल चलेगी, तो इस इंटरफेस पे इसका रिफ्लेक्शन भी होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या है, इस तरफ कौन चलेगी रिफ्लेक्टेड वेव पल्स और इस तरफ ट्रांसमिटेड वेव पल्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करो AR, ट्रांसमिटेड वेव पल्स का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करो 80। तो देखो V1 क्या आएगा,
रूट टी बाय म्यू वन, सही बात है, वी टू रूट टी बाय म्यू टू, बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे म्यू वन ज़्यादा है, म्यू टू कम है, मतलब ये डेंसर मीडियम वो रेयर मीडियम, मोटी रस्सी पतली रस्सी, दोनों रस्सी में टेंशन सेम रहेगी, ये भी ध्यान रहे। तो यहाँ पे ज़्यादा कौन होगा, वी टू ज़्यादा होगा क्योंकि म्यू टू कम है ना, वी टू विल बी ग्रेटर देन वी वन, ठीक है। तो ए आर ये क्या आएगा, वी टू वी वन से ज्यादा ना, तो ए आर पॉजिटिव तो आएगा पक्का, ठीक है। और ये ए आर ए आई से कम भी आएगा, ये भी पक्का, जैसे ए आर ए आई बाय टू आ गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगी ना वो इसके फेज में होगी, वो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स कुछ ऐसे बनेगी, समझ रहे हो ना, ये हाइट ज्यादा या हाइट कम, मतलब इसका एम्पलीट्यूड इससे कम होगा, ए आर विल बी लेस देन ए आई, और ए आर पॉजिटिव आया ना इसलिए तो मैंने रिफ्लेक्टेड वेव पल्स को ऊपर की तरफ बनाया है, नीचे की तरफ नहीं, तो इसका मतलब ये सेम फेज में होगी, ठीक है। ये इस तरफ वी वन से चलेगी, वी वन रफ्तार से रिफ्लेक्टेड वेव पल्स, और ध्यान रहे ये मोटी रस्सी है ना, इसको मोटा बनाना जरूरी था, इस तरफ वाली तो मोटी रस्सी है ना, और ये इस तरफ वाली पतली रस्सी है। अब 80 क्या आएगा, 80 वो तो पॉजिटिव आना है, लेकिन यहाँ पे 80 पॉजिटिव तो आएगा लेकिन ए आई से ज़्यादा आएगा, ग्रेटर देन ए आई, जैसे कि 1.5 ए आई हो गया, 2 ए आई हो गया, कुछ ऐसा पॉजिटिव, मतलब ऐसे आने हैं, लेकिन देख सकते हो एम्पलीट्यूड ए आई से ज्यादा है, ए आई तो इतना ना, ये ए आई से ज्यादा है, ये ए आई से कम है, ठीक है। ट्रांसमिटेड वेव पल्स ऐसे वी टू रफ्तार से चलेगी, मीडियम नंबर सेकंड में, रेयर मीडियम में, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगी वो सेम फेज में होगी, और ऑब्वियसली ट्रांसमिटेड वेव पल्स वो भी इसके सेम फेज में होगी, क्योंकि 80 तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, समझ रहे हो, ए आर नेगेटिव आ सकता है, और वो किस में आया था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम में, यहां पे रिफ्लेक्टेड वेव पल्स अपोजिट फेज में थी, इसके अपोजिट फेज में, मतलब फेज चेंज हो गया था बाय 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम होगा, मतलब म्यू वन ज्यादा म्यू टू कम, मोटी रस्सी पतली रस्सी, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगी ना वो सेम फेज में होगी, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसका एम्पलीट्यूड ए आई से कम होगा, देख सकते हो ए आर पॉजिटिव होगा, मतलब सेम फेज में एम्पलीट्यूड ए आई से कम होगा, ठीक है, ये हाइट ज़्यादा ये हाइट कम, ठीक है। 80 पॉजिटिव होगा, मतलब ये 20 के सेम फेज में होगी, लेकिन 80 ए आई से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम। अब आओ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए फिक्स वॉल। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए फिक्स वॉल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स वॉल, थर्ड है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड वॉल। तो देखो इसमें क्या होगा, ये रस्सी है, ठीक है, मतलब मीडियम नंबर वन, और मास पर यूनिट लेंथ म्यू वन, ठीक है। यहाँ पे वेव पल्स दे के छोड़ दी, ये इस तरफ वी वन स्पीड से चलेगी, सही बात है। और देखो यहाँ पे ये रस्सी एक दीवार से बंधी हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स वॉल, ये दीवार है, तो इस दीवार को आप एक ऐसे भी सोच सकते हो, ये बहुत मोटा रस्सा है, बहुत मोटा रस्सा, ये तो फिर भी कम बना दिया,
दीवार को आप पे क्या मान सकते हो, एक बहुत मोटा रस्सा, बहुत मोटा रस्सा, ठीक है, दीवार को आप ऐसा मान सकते हो। तो मतलब एक तरह से म्यूट टू वो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, बहुत मोटा रस्सा, दीवार को बहुत मोटा रस्सा मान सकते हो, ठीक है, तो वी टू जीरो आ जाएगा, सही बात है। और मान लो ये इंसिडेंट वेव पल्स है, ये वेव पल्स आगे की तरफ वी वन स्पीड से चलेगी, मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी टी, तो वी वन पक्का किसके बराबर होगा, रूट टी बाई म्यू वन, सही बात है। मान लो इसका एम्पलीट्यूड है ए आई, ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगी, चलेगी ना ये बिल्कुल इस रस्सी पे, ये वेव पल्स वी वन स्पीड से। तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, वैसे ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा कि बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी जब रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी, ये आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा, ठीक है, बिल्कुल डीप में टेक्निकल। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, ये वेव पल्स चलेगी चलेगी, बीच में एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी, एक ऐसा इंस्टेंट जरूर आएगा जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहां पे 80, ये तो जीरो आएगा क्योंकि वी टू जीरो है ना, तो 80 तो जीरो आना है ही, 80 ही आपको ये दिखाएगा कि रस्सी एक मोमेंट के लिए स्ट्रेट जरूर होगी, 80 जीरो आया ना, तो इसका मतलब बीच में एक ऐसा इंस्टेंट जरूर आएगा, एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा कि रस्सी स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है, ये एक लॉजिक है एक तरह से। वैसे इसको बिल्कुल डीप में टेक्निकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा, ठीक है, ये रस्सी क्यों स्ट्रेट होगी एक मोमेंट पे जब यहां पे इस तरफ क्या है, दीवार या बहुत मोटा रस्सा, ठीक है। तो 80 जीरो, तो देखो यहां पे दीवार है ना या बहुत मोटा रस्सा, तो ट्रांसमिटेड वेव पल्स तो मिलेगी नहीं, केवल रिफ्लेक्शन होगा, सही बात है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स इस तरफ चलेगी वी वन स्पीड से, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, मतलब ए आर, ये बताओ। तो देखो वी टू जीरो जीरो जीरो, तो ये कितना आ गया, माइनस वी वन बाय में वी वन इंटू में ए आई, तो ये कितना आ गया, माइनस ए आई, ठीक है। तो माइनस साइन मतलब कुछ ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए आई, ए आर नेगेटिव है ना, नेगेटिव मतलब आउट ऑफ फेज, मतलब फेज चेंज बाय 180 डिग्री, इंसिडेंट वेव पल्स ऐसे थी, रिफ्लेक्टेड वेव पल्स ऐसे, तो फेज चेंज हो गया बाय 180 डिग्री, ये ए आई, तो ये भी कितना होगा ए आई, ये हाइट ए आई, तो ये भी कितनी होगी ए आई, या नियरली ए आई, ए आई से वेरी स्लाइटली लेस देन होगी, ठीक है, या ए आई भी बोल सकते हो। तो ये क्या, रिफ्लेक्टेड वेव पल्स इस डायरेक्शन में वी वन स्पीड से चलेगी, सही बात है। तो यहां पे ये ध्यान रहे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, नो एनर्जी लॉस, तब है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड वॉल। अब आओ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, अब इसको समझे ये क्या चीज है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो मान लो ये एक रोड है, ठीक है,
स्मूथ रोड और ये है रिंग, ये भी स्मूथ है ठीक है, और इस रिंग से ऐसे रस्सी बंधी हुई है, ये क्या है इंसिडेंट वेव पल्स, मतलब मैंने इस रस्सी में एक वेव पल्स जनरेट करके छोड़ दी, एम्पलीट्यूड ए आई, मतलब ये मीडियम नंबर वन है ठीक है। और मान लो इस मीडियम नंबर वन में जो रस्सी है ना, ये वाली रस्सी, एक ही रस्सी है यहाँ पे, ये वाली जैसे दिखाई दे रहा है, इसकी मास पर यूनिट लेंथ है म्यू वन, और इस रस्सी में टेंशन होगी मान लो टी, तो ये वेव पल्स इस तरफ चलेगी वी वन स्पीड से, और वी वन कितना आएगा रूट टी बाय म्यू वन, सही बात है। और यहाँ पे ध्यान रही जो रिंग है ना फ्री है, ऊपर नीचे मूव कर सकती है इस रोड पे, स्मूथ रोड पे ठीक है, रिंग इज फ्री टू मूव अप एंड डाउन ठीक है, ये ध्यान रहे। तो देखो यहां पे इस तरफ ये जो रिंग है ना एक तरह से फ्री एंड का काम कर रहा है, तो मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ना वो फ्री एंड से होगा ठीक है, मतलब इस तरफ ऐसा मान लो एक दूसरा मीडियम है, मतलब एक दूसरी रस्सी ऐसा मान लो, वैसे है नहीं, जिसकी मास पर यूनिट लेंथ है म्यू टू, तो ये जो फ्री एंड का काम कर रहा है ना, तो म्यू वन विल बी मच 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 ग्रेटर देन म्यू टू ठीक है। तो वी टू क्या आएगा रूट टी बाय म्यू टू, वैसे इस तरफ कोई रस्सी नहीं है लेकिन आप ऐसा मान सकते हो, इमेजिन कर सकते हो ये फ्री एंड को क्या चीज है, मतलब ऐसा मानो इस तरफ एक दूसरा मीडियम है, मतलब एक ऐसी रस्सी है लेकिन है नहीं, जिसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू टू है, और फ्री एंड है ना ये रिंग स्मूथ रोड, ये रिंग फ्रीली अप डाउन मूव कर सकती है ठीक है, तो उस तरफ आपको एक ऐसा मीडियम मानना होगा जब फ्री एंड की बात होगी, मतलब एक ऐसी रस्सी माननी होगी जिसका जो मास पर यूनिट लेंथ है ना म्यू टू, वो बहुत कम है म्यू वन के मुकाबले ठीक है। तो ये वेव पल्स इस तरफ चलेगी, बिल्कुल चलेगी, तो यहां पे बीच में एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी, क्या ये आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा बिल्कुल डीप में टेक्निकली, लेकिन एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी ये वाली ठीक है, जब ये कितना होगा, ये होगा जब ये होगा टू ए आई ठीक है, बीच में एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी, ये आपको बिल्कुल डीप में टेक्निकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा ठीक है। ये रिंग ऊपर की तरफ जाएगी और मैक्सिमम हाइट कितनी ऊपर की तरफ जाएगी ये रिंग 2AI ठीक है, बीच में एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी, एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा, एक ऐसा इंस्टेंट जरूर आएगा जब ऐसी पिक्चर बनेगी, जब मतलब ये रिंग मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी 2AI ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगी उसका एम्पलीट्यूड AR ये कितना आएगा, ये फाइंड आउट करो, ये आएगा पॉजिटिव और नियरली AI और नियरली AI ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो म्यू वन इज मच 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 ग्रेटर देन म्यू टू ठीक है, तो मतलब म्यू वन बहुत ज्यादा है म्यू टू के मुकाबले ठीक है, तो वी वन विल बी मच मच लेस देन वी टू ऑब्वियसली ठीक है ना।
तो ए आर निकालना है, ये प्लस ए आई आएगा, निकाल सकते हो। इसका यूज करना होगा, वी वन विल बी मच मच लेस देन वी टू, तो ए आर निकाल के देख लो, इतना ही आएगा प्लस ए आई। वी टू माइनस वी वन ये कितना हो जाएगा, नियरली वी टू ही हो जाएगा, क्योंकि वी टू इज मच 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 ग्रेटर देन वी वन इन दिस केस। वी वन प्लस वी टू ही हो जाएगा बाय में ए आई, तो वी टू से वी टू कैंसिल, प्लस ए आई आया ना, पॉजिटिव आया और मतलब प्लस ए आई आया। और ए टी ये कितना आएगा, ये प्लस टू ए आई आएगा, वो कैसे, टू वी टू बाग में वी वन प्लस वी टू, वी वन प्लस वी टू नियरली वी टू हो जाएगा इन टू में ए आई, तो ए टी कितना आया, टू ए आई। वैसे देखो उस तरफ कोई मीडियम है नहीं, क्योंकि ये फ्री एंड है कि भाई उस तरफ वेव पल्स ट्रांसमिट हो जाए, लेकिन ये जो एटी आया है ना, टू ए आई, ये एक तरह से क्या बता रहा है, अगर लॉजिक पे जाओ कि बीच में एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी जब ये जो मेरी रिंग है कितना ऊपर की तरफ, कितना ऊपर की तरफ चल के जाएगी, मैक्सिमम टू ए आई, ये बता रहा है, ठीक है। और ए आर कितना आया, प्लस ए आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो मेरी रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा ए आर, वो प्लस ए आई आया है, तो मतलब इसके फेज में, ठीक है। और ये ए आई है, तो ये भी कितना होगा, ए आई होगा, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव पल्स इस तरफ चलेगी V1 स्पीड से, बिल्कुल ठीक है। ये भी कितना होगा, ए आई, ये भी कितना था, ए आई, ये ए आई, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगी ना, वो जो इस तरफ चलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस फ्री एंड, ऑब्वियसली V1 स्पीड से ही चलेगी, क्योंकि इस तरफ वाला मीडियम तो मीडियम नंबर वन है ना, जिसमें पल्स की स्पीड कितनी होगी, V1, तो भले ही वो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स हो तो इस तरफ चलेगी, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड वेव पल्स है तो V1 स्पीड से ही चलेगी। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए आई ही होगा, मतलब ए आर विल बी प्लस ए आई, ठीक है। प्लस का मतलब रिफ्लेक्टेड वेव पल्स विल बी इन द फेज ऑफ इंसिडेंट वेव पल्स, ठीक है। और देखो ये फ्री एंड था, तो फ्री एंड को आप ऐसा मान सकते हो कि म्यू टू इज मच 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 लेस देन म्यू वन, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, वी टू विल बी मच मच ग्रेटर देन वी वन, वैसे इस तरफ कोई रस्सी नहीं है तो ट्रांसमिटेड वेव पल्स तो आ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी एटी आया है टू ए आई। अगर लॉजिक पे जाओ तो ये क्या बता रहा है, एक तरह से इन दोनों के बीच में एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी जब ये जो रिंग है ना ऊपर की तरफ चलती चलती मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, टू ए आई। कुछ ऐसी पिक्चर जरूर मिलेगी देखने को, वैसे ये बिल्कुल डीप में टेक्निकल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसोइडल वेव पल्स फ्रॉम फ्री एंड, तो बीच में ऐसी पिक्चर जरूर आएगी जब ये रिंग ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊपर जाएगी, टू ए आई, ठीक है। फिर इसके बाद में टाइम पास होगा, ये रिंग नीचे की तरफ आएगी तो यहीं पे आ जाएगी, फिर उसके बाद में ये जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स है इस तरफ चलेगी V1 स्पीड से ही, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड वेव पल्स का एम्पलीट्यूड ए आर विल बी इक्वल टू प्लस ए आई, ठीक है। और यहां पे ये ध्यान रहे, ये तब है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक था। तो ये था रिफ्लेक्शन फ्रॉम